आपके पास आईफोन है तो भाई आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जो कि आप थंबनेल कैसे बनाएं। थंबनेल बनाने के लिए आईफोन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है, लेकिन थंबनेल बनाना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। और अगर आप ट्राई करोगे तो बहुत अच्छी थंबनेल बनेगी, सिर्फ आईफोन से ही बन सकती है ऐसी थंबनेल। क्योंकि थंबनेल बनाने का एक एप्लीकेशन आता है जो कि सिर्फ आईफोन में ही चलता है और वो एंड्रॉयड मोबाइल में नहीं चलता है, और उससे काफ़ी अच्छी थंबनेल बनती है। और जो टेक्स्ट की जो क्वालिटी होता है ना, वो पिक्सल लेफ्ट से भी कई ज़्यादा रहती है उसकी। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आईफोन के मुकाबले शायद एंड्रॉयड से थंबनेल नहीं बन पाए। तीन एप्लीकेशन के जरिए आप अगर थंबनेल बनाओगे तो बहुत बेटर थंबनेल बनेगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको पहले तो कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड करना है, बैकग्राउंड डाउनलोड आप कहीं से भी कर सकते हो, यहाँ पर गूगल क्रोम कहीं से भी आप बैकग्राउंड डाउनलोड कर सकते हो थंबनेल बनाने के लिए। बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है अपने पिक्सआर्ट का ऑप्शन मिलता है भाई, पिक्सआर्ट का आपको डाउनलोड करना है, ऐप स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। वहाँ से पिक्सआर्ट डाउनलोड करने के बाद आपको बैकग्राउंड में जो भी आपको एडिट करना है उसको, जिस भी तरीके से एडिट करना है अपने फोटो को, कौन कौन से फोटो को आप ऐड करना चाहते हो उसमें, एंड क्या क्या करना चाहते हो अपने फोटो को लगाना चाहते हो तो कैसे कैसे लगाना चाहते हो, वो सब सिस्टम आप पिक्सआर्ट से कर सकते हो। एंड नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है हमारे पास फोटो लेयर करके एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन को भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो PNG बनता है ना, वो आपके एंड्रॉयड मोबाइल से नहीं बन सकता। हालांकि रहती है एंड्रॉयड में भी, लेकिन जो आईफोन में रहता है ना, ऐसा PNG आप इससे नहीं, मतलब आईफोन के मुकाबले जो PNG बनता है ना, वो एंड्रॉयड में नहीं बन पाता है। तो इसमें क्या होता है कि आप ऑटोमेटिकली इसमें फ़ोटो ऐड कर दीजिए फोटो लेयर एप्लीकेशन में, वो ऑटोमेटिकली PNG क्रिएट करके दे देगा और एक नंबर PNG बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद यूज करता हूँ, क्योंकि जब थंबनेल बनाते हो तो भाई अपने खुद का PNG तो बनाना पड़ेगा ना, एंड कोई भी PNG तो यूज करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए आप इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। आप पिक्सआर्ट से भी PNG बना सकते हो, लेकिन उसमें यार कुछ फेड वर्जन मांगता है बार बार, तो वो दिक्कत आती है। पहले आपको क्या करना है, फोटो लेयर से तो आपको बनाना है PNG, पिक्सआर्ट से आपको जो फोटो ऐड करने हैं, एक थंबनेल में कितने फोटो ऐड करने हैं, वो कैसे कैसे करने हैं, वो सब करके आपको कंप्लीट करके एक फोटो क्रिएट कर देना है बैकग्राउंड, यानी फोटो मोटो सब क्लियर करने के बाद। अब आपको टेक्स्ट लिखने हैं कुछ, तो उस पर आप एक यूज कर सकते हो फोनटो एप्लीकेशन का, जो कि सिर्फ आईफोन में चलता है, और उसके जो टेक्स्ट की डिज़ाइन वगैरह होते हैं ना, वो एक नंबर रहते हैं, एंड सारे के सारी फंट चेंज मिल जाती है, एंड सारी की सारी क्वालिटी के सब कुछ मिल जाता है। आप उस एप्लीकेशन को एक बार यूज करिए, कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सारे उसमें फ्रंट मिल जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, इमोजी वगैरह वगैरह सब कुछ एकदम ऑसम बन जाता है। एंड सबसे खास मुझे ये लगा है कि अगर आप पिक्सल लेफ से एंड्रॉयड मोबाइल में थंबनेल बनाते हो तो उसके जो पिक्सल थे ना, वो फट जाते हैं, अपने टेक्स्ट के जो पिक्सल होते हैं ना, वो फट जाते हैं, लेकिन फोनटो एप्लीकेशन की मदद से जो टेक्स्ट लिखते हो आप, वो फटते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं फटते। तो आप फोनटो एप्लीकेशन के इस्तेमाल करके अगर थंबनेल बनाओगे तो बहुत ही बेटर ऑप्शन रहेगा। यही था इस वीडियो में, आईफोन से अगर आप थंबनेल बनाना चाहते हो तो इन तीन एप्लीकेशन के जरिए आप बहुत ही मस्त थंबनेल बना सकते हो। खुद भी बनाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ।